नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बालिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। अब ये कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। दोस्तों अब हम इनका उच्चारण करते हैं, बालिका बालिके बालिका हा, बालिकाम बालिके बालिका हा, बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी, बालिकाये बालिकाभ्याम बालिकाभ्य है, बालिकाया बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, बालिकाया बालिकयो बालिकानाम, बालिकायाम बालिकयो बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिका। इस प्रकार से हम प्रोनंसिएशन करते हैं। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पहली लाइन है प्रथमा विभक्ति बालिका बालिके बालिका, द्वितीया विभक्ति बालिकां बालिके बालिका, तृतीया विभक्ति बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी, चतुर्थी विभक्ति बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, पंचमी विभक्ति बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, षष्ठी विभक्ति बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, सप्तमी विभक्ति बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, संबोधन हे बालिके हे बालिके हे बालिका। जैसे भी आपको प्रोनंसिएशन करना है, इसका उच्चारण करना है, आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बालिका शब्द का कोई भी शब्द आ जाता है, उसका हिंदी में अर्थ कैसे जाने ये हम अभी सीखेंगे। अब बालिका का अर्थ क्या होता है हिंदी में, हम बालिका को बालिका भी बोल देते हैं लेकिन हिंदी में अर्थ लड़की, ठीक है। अब जो मूल शब्द क्या है, लड़की, जो भी शब्द आ जाता है कोई भी शब्द इसमें, उनमें मूल शब्द क्या जोड़ेंगे, लड़की, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार हम जोड़ेंगे। कैसे, अब लड़की हो गया, ठीक है, बालिका शब्द का अर्थ क्या हुआ, लड़की। अब इसके आगे हम कारक चिन्ह जोड़ेंगे, जैसे पहली लाइन है इसका कर्ता कारक होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, ने, तो बालिका इसका अर्थ क्या हुआ, लड़की ने, बालिके दो लड़कियों ने, बालिका लड़कियों ने। अब द्वितीय विभक्ति आ गई और कारक चिन्ह होता है को, कर्म को, तो मूल शब्द में जोड़ेंगे लड़की, मूल शब्द क्या है, लड़की, और लड़की के आगे क्या जोड़ेंगे, को, तो लड़की को, एक वचन है तो लड़की को, या द्विवचन आ गया तो दो लड़कियों को, ये तो को तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां पर जो बालिके है द्विवचन है, इसका जो द्विवचन में चेंज कर देंगे दो लड़कियों को, यहां पर लड़कियों को। अब तृतीय विभक्ति आ गई कर्ण कारक, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा, तो लड़की से या लड़की के द्वारा, दो लड़कियों से या दो लड़कियों के द्वारा, लड़कियों से या लड़कियों के द्वारा। नेक्स्ट चतुर्थी विभक्ति आ गया बालिका यही, तो एक वचन है ये बालिका यही, और संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, तो लड़की के लिए या लड़की को, दो लड़कियों के लिए या दो लड़कियों को, लड़कियों के लिए या लड़कियों को। फिर नेक्स्ट पंचमी विभक्ति अपादान कारक का चिन्ह होता है से, लड़की से, दो लड़कियों से, लड़कियों से। फिर संबंध कारक षष्ठी विभक्ति चिन्ह होता है का के लिए, लड़की का, लड़की का, लड़की के या लड़की की, बालिकयो दो लड़कियों का या दो लड़कियों के या दो लड़कियों की, बालिका नाम लड़कियों का के की, बालिकायाम सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, बालिका बालिका में या लड़की में या लड़की पर, बालिकयो दो लड़कियों में या दो लड़कियों पर, बालिकासु लड़कियों में या लड़कियों पर, हे बालिके हे लड़की, हे बालिके हे दो लड़कियों, हे बालिका हा हे लड़कियों, इस प्रकार से। तो मान लीजिए कोई भी शब्द आ जाता है, मान लीजिए यहां पर ये शब्द आ गया बालिकाया, कौन सी विभक्ति है सबसे पहले ये जानेंगे, और फिर कारक कौन सा है, बालिकाया इसमें पंचमी विभक्ति है अपादान कारक है, ठीक है।
अब मूल शब्द क्या है? बालिका। इसका अर्थ क्या होता है? लड़की। तो इस लड़की के आगे जो अपदालंकारक होता है उसका चिन्ह जोड़ देंगे लड़की से। बालिका यहां का अर्थ हुआ लड़की से, ये चिन्ह हो गया। मान लीजिए द्विवचन में है तो वो चिन्ह जो है से वो चेंज नहीं होगा। द्विवचन लड़की का द्विवचन बना देंगे दो लड़कियों से, और बहुवचन आ गया बालिका थे तो लड़कियों से। कारक चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, मूल शब्द के साथ हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे और इससे बालिका जो लड़की है उसका वचन चेंज करते जाएंगे, इसका वचन बदलते जाएंगे, तो हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे बालिकयो है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति द्विवचन है बालिकयो, तो मूल शब्द क्या है? लड़की। ठीक है दोस्तों, मूल शब्द क्या है? लड़की। तो ये द्विवचन है और अधिकरण कारक है, तो इसका चिन्ह क्या होता है? में या पर, ये चिन्ह होता है अधिकरण कारक। तो क्या लिखेंगे? अधिकरण कारक है और द्विवचन है, दो दो लड़कियों में लिखेंगे या पर, ये अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। दो लड़कियों, ये इस लड़की का वचन चेंज किया है क्योंकि ये द्विवचन है तो दो लड़कियों, लेकिन ये जो कारक चिन्ह है ये परिवर्तित नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।